खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात अलग अलग मांगों को लेकर लगातार टाना भगत जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से इनका आंदोलन लगातार जारी है। आपको बताएं कि लातेहार से बड़ी खबर, जहां पर अब टाना भगतों ने अपना आंदोलन जो है वो खत्म कर लिया है सीएम ने जैसे ही वार्ता के लिए बुलाया है उसके बाद। और आपको बता दें कि लगातार इनकी मांगों को लेकर, ये अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों से आंदोलनरत थे और इनके बीच जो भी मांग थी उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद अब जाकर आंदोलन टाना भगतों ने बता दें कि विधायक वैद्यनाथ राम की मध्यस्थता के बाद ये आंदोलन खत्म कर सके हैं। और हमारे साथ खुद विधायक वैद्यनाथ राम जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार आंदोलन कर रहे हैं ये टाना भगत, अब सीएम ने जैसे ही उन्हें कहा कि वो वार्ता करेंगे और एक आपने मध्यस्थता का काम किया उसके बाद इन्होंने आंदोलन रद्द किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद मैं जब वहां गया तो उनसे 2-3 राउंड की बात हुई। परसों रात को जब हम लोग वार्ता किए तो वो तो असफल हो गया, लेकिन उसके बाद लगातार हम लोग समझाने का प्रयास करते रहे जी। और कल अंततः जो उसमें कई जिले के लोग थे उसमें 3 जिले के लोगों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। उसके बाद तो फिर ये सिलसिला चला, कई जिले के जो अलग अलग लोग थे उनको अलग से समझाया गया। हम लोगों ने कहा कि बातचीत का ही रास्ता निकालना चाहिए और बातचीत से किसी समस्या का समाधान है, इस बात को मानते हुए कि मुख्यमंत्री जी उनसे वार्ता कराएंगे। वैद्यनाथ जी, इससे पहले भी जो जितनी उनकी मांगे हैं उसको लेकर भी बात हुई थी, लेकिन ये बात अलग है कि सीएम से नहीं हुई थी। वो बार बार कह रहे हैं कि 3 मांगों पे नहीं, उनकी जो पूरे मांगे हैं वो सभी पूरी होनी चाहिए। क्या लग रहा है, वो सारे मांगे पूरी होंगे अगर सीएम से वार्ता होती है तो? उन्होंने कोई मांग पत्र दिया ही नहीं अभी तक, उन लोगों ने कोई मांग पत्र दिया नहीं। उन्होंने एक बैनर के माध्यम से लिखा था कि जो टाना भगत को है मालिकाना हक मिले। हमने बहुत सारे उस पर बहुत सारी चर्चा हुई, कई विषयों पर हमने उनसे बात किया और ये उनको बताया कि मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी वार्ता होगी, बातचीत का रास्ता आप अपनाएं, तभी समस्या का समाधान है। इस बात पर विश्वास करते हुए लोगों ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। चलिए अभी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगे जो है वो पूरी हो जाए और सीएम से बात करने के बाद तमाम जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तमाम बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विधायक वैद्यनाथ राम हमारे साथ जुड़े थे न्यूज 11 भारत के साथ। उन्होंने कहा कि अब एक कोशिश की गई है बीच का रास्ता निकालने की और सीएम के आदेश के बाद तमाम टाना भक्तों को सीएम से वार्ता के लिए बुलाया गया है। सीएम अब इनसे खुद बात करेंगे और जो भी इनकी समस्याएं हैं उस पर गंभीरता से बात की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, 3 दिनों से लगातार टाना भगत जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, बातचीत हुई लेकिन उस पर भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। अब आखिरकार टाना भक्तों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और अब सीएम से भी जल्द ही वो मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे अपनी मांगों को लेकर। जी अमृता, बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर बीते 3 दिनों से टाना भगत के समुदाय द्वारा जारी आंदोलन आज मध्य रात्रि समाप्त कर ट्रैक को खाली कर दिया गया और इस कार्य में स्थानीय विधायक वैद्यनाथ राम के द्वारा किया गया वार्ता आंदोलनकारी रेलवे लाइन को स्वतः जो है कि छोड़कर निकल गए। और वार्ता करीब, मैं बताना चाहूंगा कि करीब 4 घंटा लगातार हुई। हालांकि वार्ता से कुछ लोग अंतुष्ट देखे और उसके बाद जो है फिर से सहमति बनी और उसके बाद जो है ट्रैक को खाली कर दिया गया। पूरे मामले में जीएमएम विधायक वैद्यनाथ राम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वार्ता को लेकर नेतृत्व के द्वारा जो है कि मैं खुद जाऊंगा टाना भक्तों को लेकर और स्वतः अपने खर्चे पर जो है कि सभी को ले जाएंगे और जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात है कि अभी मांग पत्र नहीं सौंपा गया है और इस ये इंतजार है कि टाना भगत मांग पत्र सौंपे और उसके बाद खुद वैद्यनाथ राम विधायक जाएंगे मुख्यमंत्री के पास और इनकी मांगों को सुना जाएगा। उसके बाद जो है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि कौन सी मांगे इनकी पूरी की गई या कौन सी मांगे नहीं पूरी की गई, क्योंकि काफी अरसे से जो है कि इनकी मांगे रही है जो पूरी नहीं हो पाई है। और मैं यही बताना चाहूंगा कि टोरी जंक्शन का निरीक्षण जो है यातायात निरीक्षण है, उन्होंने बताया कि मध्य रात्रि से रेल परिचालन जो है वो समाप्त हो गया है। जी
चलिए नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल। तो सीएम के नोटिस के बाद अब जो टाना भगत हैं वो अब बातचीत करेंगे। तीन दिनों से लगातार रेलवे ट्रैक पर जमे हुए थे टाना भगत और अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, लेकिन अब इन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया। मैं अपनी बात को खुद से नहीं कहना चाहता हूँ, उनका भरोसा उन्होंने भरोसे के साथ भेजने का काम किया मुझे और जिला अध्यक्ष जी को। अब मेरे साथ अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं। इसमें इस सफलता में हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा पूरा सहयोग है। पुलिस प्रशासन की कितनी रोल? पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा है, सब लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों ने समझाने का काम किया है कि ये जनहित में है, राष्ट्रहित में है कि आप लोग, चूंकि मुख्यमंत्री खुद इंटरेस्टेड है कि आपसे वार्ता करके आपका हल करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जितने पदाधिकारी यहाँ पर आए, कल से ही लगातार हम लोग यहाँ SP भी आए, SDPO भी आए, SDO आए, DC भी आए, मैं खुद हूँ, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वरीय कार्यकर्ता है, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं और प्रखंड के कार्यकर्ता भी हैं। आम पब्लिक का भी यहाँ पर काफ़ी सहयोग मिला, उन लोगों ने भी खुले मन से सहयोग किया इस मामले में कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए। महसूस की हमारे विधायक जी को हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिनका भरपूर प्रयास रहा, जैसा कि लगभग दो दिन से देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम उन्होंने दिया इस पर वार्ता के ख्याल से भी, और लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया। लेकिन जो स्थिति लग रही थी, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि सफलता मिलेगी, लेकिन आज उन्हें सफलता मिली है और सफलता को हम स्वीकार करते हैं।